लग रहा है आपको अकल ज्यादा आई हुई है। आयो रिमा मैं स्माइल कर अच्छी लगूं। यहाँ पे वो लड़की आकर इतना तवज्जो दे रही है तो हमें भी तवज्जो देना चाहिए उनके ट्रीटमेंट पे। अभी इंटरव्यू लेते हुए किसी भी क्रश आया हो? अरे बेटी नहीं देनी पठानों में अरहानों। लाल शपे खबर तक मिस्तूर माल रौला। आप स्माइल करें ना, करें स्माइल। नहीं आ रही, स्माइल करें। ये फेक है। हाँ भाई मौजूद है हमारे साथ, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या नाम है? अनवर। अनवर क्या करते हैं आप? मैं बीडीएस कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? बीडीएस। बीडीएस के एब्रिवेशन क्या है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। डेंटल सर्जरी, दांतों का मास्टर बनेंगे? हाँ इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो कोशिश ही कर रहे हैं। अपने दांत परफेक्ट आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक पूरे 32 दांत? नहीं 28 है अभी तक, मोलर्स नहीं आए हुए। आखिरी दांत जो अकल के दाग गए थे वो आने। अक्कल नहीं आई? हाँ हाँ कह सकती हूँ। नॉर्मली तो हम पंजाबियों में यही कहते हैं कि जब अक्लदार आ जाती है तो फिर ही इंसान को अक्ल आती है। लग रहा है आपको अक्ल ज्यादा आई हुई है। पता नहीं वो क्या था, लेकिन इस ये जो बड़ी ईद गुजरी है ना बकरा ईद पे, तब मेरा इधर बहुत ज्यादा पेन था और मुझे ऐसा लगता है वो शायद अक्लदार थी। मामा ने बोला, मुझे नहीं पता, मतलब सर्च वगैरह मैंने किया। हाँ निकल रहा था ना, मैंने वो तस्वीरें बनाई मुँह खोल खोल के। मैंने भी गूगल पे चेक किया सारा कि ये क्या है, इसका इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, तो मुझे लगता है एक अक्लदार आ गई है, दूसरी रह गई। चलो हम दुआ करते कि वो भी आ जाए, अकल पूरी हो जाए आपकी। और आपको तो आई नहीं तो फिर आपका क्या करें? हाँ मैं भी प्रोसेस में हूँ, मतलब आ रहे हैं। सही है। अच्छा दांतों की कोई बेस्ट टिप हमें दे दें जो किसी को नहीं पता। सबसे बेस्ट टिप तो ये है कि मतलब ब्रश करनी चाहिए दो टाइम रात को सोने से पहले, जहाँ पे बंदे को पता चले कि इसके बाद मैंने कुछ खाना ही नहीं है, और सुबह नाश्ते के बाद। नाश्ते के बाद करना चाहिए? नॉर्मली लोग उठते हैं तो वो पहले ब्रश करें। ये गलत है क्योंकि आप जब कोई चीज़ खाते हो ना वो पस जाता है, तो उसके बाद दांतों को साफ करें, बस फिर घूमे फिर सारा दिन एंजॉय करें। लेकिन सुबह सुबह एक अपनी भी एक मुंह के अंदर स्मेल सी होती है, वो उसका क्या करें? बंदा वैसे भी नॉर्मली सुबह उठ के वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो कुल्ली करते हैं पानी, उससे भी मुँह साफ हो जाती है। अच्छा जो दांतों में कीड़ा लग जाता है उसकी क्या वजूहत है? सबसे पहले है कि मतलब हम मीठी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह जो खाते होते हैं ना, कैविटीज़ हो जाती है। कैविटीज़ हो जाती है, कैरीज या बैक्टीरिया, तो उसकी वजह से दांत ख़राब हो जाती है और कैरीज आ जाती है। और जिनके दांत गिर जाते, कोई वजह होगी ना, वो लड़ाई करते होते हैं कोई उसको, हाँ या गिर जाए खाना खास्ता। जिनके दांत पहले ही टेढ़े होते हैं तो उसको इतने वो ब्रेसिस लगवाते हैं, ब्रेसिस बोलते हैं? हाँ जी ब्रेसिस बोलते हैं। तो इतने महंगे लगा के दे रहे होते? हाँ जी, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ना लेंथी होते हैं, आपको ना बार बार बुलाते होते हैं पेशेंट, बार बार डॉक्टर बुलाते होते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक चलता रहता है प्रोसेस, तो पैसे इसीलिए ज़्यादा लगते होते हैं। डेंटल सर्जन बन जाना है, सर्जन बोलेंगे साथ? ठीक है, डेंटल सर्जन आप बनेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि लड़कियां जैसे आती हैं तो आपने बोला कि बार बार हम बुलाते हैं, लेंथी प्रोसीजर होता है, प्यारी लड़कियों पर ज़्यादा टाइम लगाते हैं या फिर? मोस्ट प्रॉब्ली अगर टू बी ऑनेस्टली मतलब कि मैं लड़कियाँ अगर आती है डेंटल ट्रीटमेंट के लिए तो उनका मेन कंसर्न होता है एस्थेटिक्स, कि मैं स्माइल कर अच्छी लगूँ, तो टाइम देना पड़ता है। यार वो अपने आप पे वो लड़की आकर इतना तवज्जो दे रही है तो हमें भी तवज्जो देना चाहिए उनके ट्रीटमेंट पे। सही है। तो हम तवज्जो देते हैं। कभी किसी पे दिल आ गया हो? नहीं अल्लाह माफ़ करे। क्यों? अभी नहीं आया ना। अभी नहीं आया। कितने साल के हैं? 24। अभी तक मैं नहीं मानती आपका दिल आ रहा हो, कभी किसी पे क्रश नहीं हुआ? कुछ बातें राज भी रखते होते हैं ना। ये बोले ना, ये तो नहीं कहे कि नहीं आया। हाँ। इस पे आया था? नहीं राज ही रखते हैं ना। कोई नहीं, थोड़ा बहुत बता दे। चले द सेम क्वेश्चन गोज़ टू यू, कभी इंटरव्यू लेते हुए किसी भी क्रश आया हो? दिल आयो के क्रश हो कोई? नहीं, कभी कोई बहुत प्यारा लगे तो मैं उसके गेटअप की तारीफ करती हूँ। अभी भी आपके पास बहुत शरारती है, ये बहुत शरारती कह रहे हैं, मैं सामने खड़ा हूँ चांस आपके पास कि एक क्रश बन सकता हूँ मैं आपका। मैं मुखा दे रहा हूँ आपको, नहीं लेना ये ये तो माँ ने बेटी नहीं देनी पठानों में अरहानों। ये तो अच्छी बात है। सैड थिंग। अच्छा लेकिन आप प्यारे हैं माशाल्लाह, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? बस नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम के, और नेचर भी होते पठान ही है, तो टोन स्किन टोन यही होते हैं बाय बर्थ। ये जो बाल आपके फ्लफी से हैं ये क्या? बाइक पे 8 किलोमीटर घूम के आया हूं। यानी कि बालों में करंट चाहिए तो बाइक पे बैठ? या सिर्फ स्ट्रिंग से नहीं होता उस चीज़ से नहीं होता ऐसे ही। अच्छा आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट, कोई गाना, कोई शायरी, कोई भी ऐसी चीज़? मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर। मैं आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश करूँगा। लाल शपे खबर तक मिस्तूर माल रौला, लाल शपे खबर तक मिस्तूर माल रौला, ताज़ा ताज़ा गुलना द्रेसलोर माल रौला।
लड़ शपे खबर तक मिस्तूर माल रोड़ा ताज़ा ताज़ा गुल ना द्रे सलोर माल रोड़ा। क्या बात है, ये अली जफर ने भी गाया है ना, ये उसी का गाना है और मुझे ये बहुत पसंद है। पाकिस्तान के सारे शहरों की अगर मैं बात करूं तो आपका मोस्ट फेवरेट सिटी कौन सा है? ऑफ कोर्स लाहौर। क्यों भाई? मेरा बेसिक टाइम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मैंने गुजारी है और पेशावर में भी। मैं बेसिकली फाटा से हूं। अच्छा। लाहौर में मेरा 14 साल तकरीबन होने वाला है। लेकिन 24 साल एज है, फाटा में आप पैदा हुए, इसके बाद इस्लामाबाद में हिजरत की, पिंडी में भी रहे आप, उसके बाद वही रह रहा हूँ, मतलब 2008 लाहौर में आए। ये इतनी हिजरत क्यों की दुनिया में? सबसे पहले फाटा में, मतलब उसके बाद जो वहाँ पे हालात, फाटा नाम कितना इंटरेस्टिंग है, फाटा। फिर वहाँ पे हालात का थोड़ा गड़बड़ हो गया तो शिफ्ट हो गए सारे, फैमिली गड़बड़ हो गया। हाँ, 2008-09 में ना तो ऑपरेशन चल रहा था। अच्छा, तो रावलपिंडी आई, फैमिली वाले सारे शिफ्ट हो गए, वहाँ पे तालीम कंटिन्यू की, फिर वहाँ से तैयारी करके यहाँ पे सिलेक्शन हो गया BDS में और पिछले 4 साल से यही अभी फाइनली चल रहा है इनशाला। हो गया तो आपका तो अभी वो भी चल रहा होगा जो आठवीं सेमेस्टर में, क्या कहते हैं, क्या चीज़ सेमेस्टर है ना? नहीं, एनुअल होता है, मतलब एनुअल होता है, लास्ट ईयर है, 3 महीने वो डिफरेंट होता है। सही है, सही हो गया, जबरदस्त। कुछ और कहना है देखने वालों को? बस मैं तो पर्सनली कहूँ यहाँ आए हुए एंजॉयमेंट के लिए और कजन भी साथ है, मूवी देखेंगे इंशाल्लाह। कौन सी मूवी? इंशाल्लाह वो ऐसी कौन सी मूवी है जिसके आगे आपने हाथ जोड़? नहीं, मूवी है नहीं, नहीं हॉलीवुड की है, लेकिन फिर बता। नेपोलियन। नेपोलियन, इसका नाम नेपोलियन? हाँ जी। किसकी मूवी है? हॉलीवुड की है। कौन सा हीरो है? अभी देखी नहीं है। अच्छा, वो दोस्तों के साथ गया था, मतलब प्लान। आखिरी सवाल आपसे, कहते हैं ना लायक लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, बनिस्बत इसके कि लायक लड़कियां? मैं नहीं मानता। नहीं, नहीं। आप क्यों इससे इख्तलाफ? अल्लाह पाक ने दो चीज़ें तकसीम, या तो जहनीत या किस्मत, हुसन, ये चीज़ें। तो जो लायक होते ना उनमें हुसन बहुत कम होता है। पगड़ी करते ना, मैंने भी यही कहा है कि नालायक लड़कियां खूबसूरत हैं। नालायक लड़कियां, एग्जैक्टली, राइट, यस। यानी क्या पगड़ी कर रहे हैं ना? यस। सही है, कोई बात नहीं, कभी-कभी कानों को समझाना ज्यादा पड़ता है। मुझे तो मैं कंफ्यूज हूं, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। तारीफ कर रही है दोनों? चले ठीक है, ठीक कर रही है भाई, क्या हो? थैंक यू। गपशप लगा के अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। स्माइल कैसी है? बड़ी अच्छी है, नेचुरल है, मजे वाली है। मेरी स्माइल कैसी है? फेक। माइंड ना कीजिए, आप स्माइल करें ना, करें स्माइल, नहीं आ रही, स्माइल करें, ये फेक है। हाँ, ये वाली तो फेक है जो आपने अभी करवाई। नहीं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है और डेंटिशन भी आपकी बहुत अच्छी है। एज ए डेंटिस्ट मैं यही कह सकता हूँ कि डेंटिशन में आपकी दांत, मैं कह रहा हूँ, अच्छी है। और क्या होती है डेंटिशन? आपकी दांत की लाइन, अलाइनमेंट सीधी है, सही है, पूरी है और स्माइल भी अच्छी है और टैलेंट भी है थोड़ा बहुत आप में। दुआ है कि आप और भी अच्छा करें। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।